अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यह कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़कता है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे काटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम में से तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शुही बिल्दद और नापाती सोपेर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियों हो गई, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठ बेटी का नाम तो यमीमा और दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेनपुक रखा, और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया।